बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब व्यूवर जो है दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें, ताकि स्टडीज़ के काम करते करते हमें सवाब भी मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम मल्टी टॉपिक डायलॉग डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में एक डायलॉग आता है और एक जो है ट्रांसलेशन आती है। बहुत से बच्चे ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों की ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं। करीबन 2-3 मार्क्स जो है उसमें एग्जामिनर बच्चे को दे देता है, क्योंकि उसकी ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोग जो है डायलॉग को अटेम्प्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो आज की इस वीडियो में जो है मल्टी टॉपिक डायलॉग हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू अपडेट आप तक पहुँच जाए। इस डायलॉग को जब आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपके पेपर में कोई भी डायलॉग आ जाए, आप ये तमाम सेंटेंसेस, तमाम डायलॉग्स जो है लिखकर जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने डायलॉग में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है असलम। किसी भी दो पर्सन्स का आप नेम यहाँ लिख सकते हैं। फिर स्टार्ट में सबसे पहले जो है डायलॉग का स्टार्ट, जैसे कि सबको मालूम है, अस्सलामुअलैकुम और खैरियत पूछ के हाउ आर यू। नेक्स्ट अकबर कहेगा वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल राइट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज, वेयर हैव यू बीन, एस वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। देन असलम कहेगा उसके आंसर में जो उसने क्वेश्चन किया है, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन नाउअडेज और डूइंग अ जॉब। अकबर, ओके वेरी नाइस। इस तरह से स्टार्टिंग पैराग्राफ की लाइंस यही होती हैं। नेक्स्ट जो है असलम कहेगा, हाउ इज़ योर लाइफ गेटिंग ऑन। अकबर, इट्स गोइंग वेल बट प्रॉब्लम्स आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। असलम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस इन लाइफ। अकबर, माई प्रॉब्लम्स आर दोज विच आर बींग फेस्ड बाई एवरी पाकिस्तानीज नाउअडे, आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ। नेक्स्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिसके रिलेटेड आप लोगों को डायलॉग आया है, आपने वो मैंशन करनी। मे बी लोड शेडिंग होगी, इन्फ्लेशन हो गया, या वट एवर। Aslam, what kind of problems you face in life? Akbar, my problems are those which are being faced by every Pakistani. Nowadays, I am facing the problem of... अब जौन सी भी प्रॉब्लम आपको डायलॉग में पूछी गई है कि उसके मुतल्लिक डायलॉग लिखें, आपने वो यहाँ पुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, या वट एवर। नेक्स्ट है असलम, द प्रॉब्लम ऑफ। नेक्स्ट आपने प्रॉब्लम लिखनी है, या जो भी जिससे रिलेटेड भी आपको डायलॉग आया वो मेंशन करना है। इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू द निग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट अकबर असलम, ये जो लाइन्स छोड़ी गई हैं, इधर आपने जो है जो सा भी आपको टॉपिक आया है उससे रेलिवेंट लाइन्स जो है यहाँ पुट करनी है, ठीक है। Your phone is ringing. It looks like that you have an urgent call. Akbar, oh yes, my father is calling me. Aslam, do you have an urgent work at home or is an emergency? Akbar, no, everything is fine. Aslam, okay, take care. See you again. ये लास्ट वाला पोर्शन आपको बता रहा है कि आपने अपने डायलॉग का इख्तिताम कैसे करना है, ठीक है। स्टार्ट में था कि उसका आगाज़ कैसे करना है, और ये लास्ट वाले सेंटेंसेस जो हैं, डायलॉग जो हैं, ये आप
आपको बता रहे हैं कि आपने इख्तिताम किस तरह से करना है। बहुत से बच्चे डायलॉग्स का इख्तिताम अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं दोहरानी अपने पेपर में। ये लाइंस आप याद कर लें, आप इन्हीं को ही पुट कर दें, क्योंकि ये मल्टी टॉपिक है आपका, और जो भी डायलॉग आएगा आप यही लाइंस पुट कर सकते हैं। अकबर, गॉड ब्लेस यू। अकबर, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। असलम, सेम टू यू एंड नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट, ये था मल्टी टॉपिक डायलॉग। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने पेपर के हवाले से। अल्लाह ताला आप सबको इम्तिहान में कामयाबी अता करे। आमीन। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।